हेलो फ्रेंड्स, हाय। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आज इन पौधों की। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा, जो कि ये बड़ी वैरायटी में है। पिछली वीडियो में मैंने इसकी छोटी वैरायटी दिखाई थी, जो कि मैंने कई सारे पौधे उसके बनाए हैं कटिंग से ही। और ये देखो आप, मैंने ये 10 इंच के गमले में लगाया हुआ है और इसको 2 से 3 साल हो चुके हैं। ये इतना बड़ा हो गया है और ये कितना सुंदर हो रखा है, ये देखो आप। और ये मेरा पाम का ट्री है, ये भी 15 इंच के गमले में ही चल रहा है। उसके नीचे मैंने लगाया हुआ है ये पर्पल हार्ट का पौधा, आप देख सकते हैं। ये पर्पल हार्ट का पौधा ऐसा होता है, आप कहीं भी लगा दो, ज़रा सा भी काट कर एकदम से हो जाता है, किसी भी सीज़न में हो जाता है। इसका कोई वो नहीं है कि ये स्पेशल कोई सीज़न चाहिए इसको, ये कभी भी हो जाता है। आप देखो, ये पाम का पौधा है, इतना मेरा कितना सुंदर हो रखा है ये पाम का पौधा। और ये देखिए आप, इसको कैक्टस भी बोलते हैं और इसका एक नाम और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैं आपको बताऊँगी। ये बारिश के बाद बहुत सुंदर हो गए हैं, पहले ये सूख रहे थे। ये देखिए, सदाबहार का पौधा है, ये तो कहीं भी उगाते हैं, इसका ज़रा सा बीज गिर जाए ये कहीं भी उगाते हैं, लेकिन ये अच्छे लगते हैं, इसके फूल अच्छे रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, 12 महीना खिलते हैं, तो आप इसे भी लगा सकते हैं अपने घर। ये भी देखिए, ये वही कैक्टस, नाम भूल रही हूँ मैं, इन पे भी रेड कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, जो कि अब आएँगे, जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तब इन पर फूल आने भी शुरू हो जाएंगे। तो आप ये देखो, और आपको दिखाती हूँ मैं एक और पौधा अपना। ये देखिए गाइस, ये गुड़हल का पौधा है मेरा, ये बाहर क्यारी में लग रहा है और ये कितना बड़ा हो गया है। इसको भी 3 साल हो गए हैं और इस पर इतना फूल आ रहा है, इस टाइम इतना फूल आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस तरह का फूल आता है इस पर। दिन में कम से कम 20-25 फूल तो इस पेड़ पर खिल ही जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही खिलते होंगे। और आप देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। ये है मेरा पौधा, दूसरा पेड़ है ये। ये है क्रैप मार्टल का पौधा और ये इसके फूल देखो आप, पिंक कलर के फूल हैं, ये कितने सुंदर है। आपने देखे, ये पौधा कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, आप इसको गमले में भी रख सकते हैं कटिंग के उससे पर्पस से, और आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, और भी बड़ा हो जाएगा करना चाहो तो आप। मैं इसकी हर साल कटिंग कर देती हूँ। अब ये जैसे कि सर्दियों में फूल नहीं देता, सर्दियों में बिल्कुल पतझड़ हो जाता है, इसके पत्ते गिर जाते हैं, खाली हो जाता है कि जैसे सूख गया हो, लेकिन ये फिर गर्मियाँ होती हैं मार्च में, फिर से सारी पत्ती इसमें आ जाती हैं। और देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। और आप देखो, ये मेरा वही गुलाब जिसकी मैंने कटिंग नहीं की है अभी तक, करूँगी थोड़ा रुक के। और ये कटिंग तो अभी मैंने 2 दिन ही हुए लगाई हैं। और ये मेरे गुलाब, ये भी क्रैप मार्टल के ही पौधे हैं, ये वाला और ये वाला। ये मैंने डंडी से लगाया है और ये मैंने उसके नीचे जड़ से निकल के आ रहा था, तो वो मैंने अलग करके लगा दिया। आप देखो, और देखो मेरी गुलाब की अपडेट मैं देती रहती हूँ आपको। ये देखो, इसमें निकल आई हैं पत्तियाँ, और भी है एक छोटी सी टहनी, यहाँ भी लगाई है। ये हाइब्रिड गुलाब की टहनियाँ हैं, अगर होती हैं तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी, क्योंकि देसी गुलाब की भी हो, देखो होती तो ये भी मुश्किल से हैं, लेकिन ये हो जाती हैं फिर भी, तो आप कर सकते हो, क्योंकि पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि जहाँ से कटिंग मिले और कटिंग का पौधा आप कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए आपको मैं अभी अपने और पौधे दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये मेरा गोल्डन डस्ट का पौधा है। और ये देखिए गाइस, मैंने ये घड़े में लगाया हुआ था, इस पर मैंने पेंट करा था ब्लू कलर का, लेकिन ये बाहर रखा है तो ये इस तरह से हो गया। अभी पेंट मंगा कर इस पर दोबारा से पेंट करना पड़ेगा। और इसमें वही मैंने और भी पौधे लगा रखे हैं, देखिए इसका नाम ड्रेसेनिया करके है शायद इस वाले पौधे का। और ये कटिंग से ग्रो हो जाता है, ये मैंने बहुत कर रखा है अपने घर में, और ये सुंदर भी रहता है, साफ भी रहता है, पतझड़ कम होता है, तो ये पौधा मुझे इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन ये पौधा बहुत ज़्यादा स्लो ग्रो करता है, लेकिन अच्छा ये बहुत ज़्यादा लगता है। ये आप देखो, ये इसकी पत्तियों पर देखो जैसे गोल्डन छींट है, इसीलिए शायद इसका नाम गोल्डन डस्ट है। तो ये कितना सुंदर है। और ये देखिए, ये मैंने ग्रो बैग में करी पत्ते के पौधे लगाए हुए हैं, ये अभी लगाए हैं मैंने, थोड़े दिन हुए हैं।
और मैं आपको दिखाती हूँ अपना अपराजिता का पौधा। ये देखिए गाइस, ये मेरा अपराजिता का पौधा है। ये मैंने वायर पे लगाया हुआ है इस तरह से, आप देखो ऐसे गोल। अभी क्या है, इस पे फूल तो काफ़ी खिलते हैं, पर इस अभी 2-3 दिन से इतनी गर्मी पड़ी है, इतनी गर्मी पड़ी है कि ये शायद इसको पता नहीं क्या हो गया, जल सा गया है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी शायद, इसीलिए बेचारे का ये हाल हो गया है। और ये 12 महीने फूल देता है। अपराजिता का पौधा वैसे भी बोलते हैं कि घर में लगाना बहुत अच्छा होता है, तो आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है। ये पीछे मैंने कुछ लिली के पौधे लगाए हुए हैं ग्रो बैग में। सर्दियों में मैंने इन सारे ग्रो बैग में सब्जियां करी हुई थी, अभी जब सर्दियों की सब्जियों का सीज़न चला गया तो फिर मैंने इनमें अपने फ्लावर प्लांट्स लगा दिए हैं। अब देखो, ये देखिए गाइस, ये मैंने उसी की कटिंग लगाई हुई है अभी, जो मैंने आपको पौधा दिखाया था क्रेप मार्टल का, जिसके फूल मैं बता रही थी कि इन गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छे खिलते हैं, ये पिंक कलर का। और ये देखिए कितने अच्छे से फूट फूट के आ रही हैं टहनियाँ। ये मुझे अभी लगाए हुए 4 से 5 ही दिन हुए हैं, नहीं थोड़ा ज़्यादा दिन हो गए, आई थिंक 10 दिन हो गए। तो ये देखिए आप, ये फूट फूट के आ रही हैं, आप देखो कितनी सुंदर फूट रही हैं, आप देखो ध्यान से देखो, है ना। और ये देखिए इधर मैंने गुड़हल की लगाई हुई है टहनियाँ, ये भी फूट फूट कर आ रही हैं, अब देखो ध्यान से, है ना। तो आजकल पौधे बहुत इजीली फूट जाते हैं, ग्रो करते हैं टहनियाँ, तो आजकल लगा लेनी चाहिए, ये अच्छा रहता है। चलिए, आज की काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले दिन। चलिए ठीक है, बाय।